Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum the students of class 6. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, class 6, today we are going to start the next working of the poem Snake. As you know, we have done the reading, explanation, words meaning and the question answers in the literature copy. We are going to start the reference to the context of the poem the snake okay so take out the copies open the new page write down the heading of the reference to the context with the marker and underline it with the alternative one okay my dear students so have you done the writing of the heading of reference to the context in the copy very good

उसका आना या जाना पता चलता है अचानक से आता है और अचानक से जाता है ठीक है सो वॉट इज द क्वेश्चन नंबर ए रिलेटेड टू दैट सेंटेंस हु इज़ बींग डिस्क्राइब्ड हेयर किसके हवाले से बात की जा रही है सो so आपको तो पता है कि किसके हवाले से बात की जा रही है एनी वन कैन टेल मी येस द स्नेक इज बींग डिस्क्राइब्ड यहाँ पर किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है स्नेक को ओके नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी हु इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज यू ठीक है आपको किससे से दिया जा रहा है यानी कि किससे रेफर किया जा रहा है मिलाया जा रहा है द रीडर इज़ बींग रेफर्ड टू एज यू यानी कि जो रीडर है जो पढ़ने वाला है जो आपको जिसके हवाले से पोएम लिखी गई है जिसने लिखी है पोएम उसको रेफर्ड किया जा रहा है यू से ओके नाउ व्हाट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर सी व्हाई इज हिज नोटिस सडन क्यों इसका आना या जाना अचानक होता है स्नेक डज नॉट मेक अ नॉइज वाइल मूविंग एंड दे कैन हाइड इन द ग्रास हैंस इज यूजली सडन ओके वो इसलिए कि सांप जो है वो बहुत ही खामोशी के साथ आता है और ज़्यादातर घास के तले छुप जाता है इसलिए वो नज़र नहीं आ पाता और अचानक से ही वो ज़ाहिर हो जाता है ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेंटेंस विदाउट अ टाइटर ब्रीदिंग एंड ज़ीरो एट द बोन ठीक है यानी कि बहुत घुटकर सांस लेना और जिसमें हड्डी ना हो इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर ए वट डज़ द टाइटर ब्रीदिंग मीन्स हेयर टाइटर ब्रीदिंग का मतलब क्या है इस पोम में तो यहाँ पर जो टाइटर ब्रीदिंग का मतलब है वो ये द पोट फील्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बिकॉज ऑफ फेयर यानी कि डर के मारे जो साँस आपकी सूखने लगती है सिकड़ने लगती है उसको कहा जाता है टाइटर ब्रीदिंग ओके नो वाट इज द क्वेश्चन नंबर बी द क्वेश्चन नंबर बी इज़ वाई डज द पोएटस मैंशन ज़ीरो ऐट द बोन एट द एंड ऑफ द पोम यानी कि पोइटस ने यहाँ पर जीरो एट द बोन क्यों मेंशन किया है पोम के आखिर में इट्स सजेस्ट दैट द फीलिंग ऑफ फ़ेयर वाज नो इंटेंस दैट इज प्रीट्रीटिड डीप इनटू बोन्स यानी कि वो ये कहती है कि उसने अपनी फीलिंग्स के जो है ना शेयर uh, करने के लिए फीलिंग्स को बताने के लिए वर्ड ज़ीरो ऐट द बोन उसने लिया है यानी कि वो ये बताना चाह रही है कि जो खौफ होता है वो किस तरीके से हड्डियों में उतरता है और किस तरीके से आप शेक करने लगते हैं ठीक है नाउ वट इज़ द लास्ट क्वेश्चन सी ऑफ द सेंटेंस नंबर टू हाउ डज़ द पोइटस्ट फील अबाउट द स्नैक पोट्स जो है वो स्नै के हवाले से कैसा महसूस करती है द पोइट्स इज़ फेयरफुल ऑफ द स्नैक एंड डज नॉट वांट टू सी वन अगेन यानी कि जो पोइटस है वह स्नै की वजह से बहुत ज़्यादा खौफजुदा ज़्या हो जाती है ठीक है और वह उसको देखना नहीं चाहती और क्यों नहीं देखना चाहती ऑब्वियसली स्नेक एक ऐसा एनिमल है जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा ड्यू टू द फेयर उसको देख के ही एक झुरझुरी आ जाती है खौफ की वो एक पॉइजनस स्नेक है एक पॉइजनस एनिमल है जिसकी आ, आप कोई गारंटी नहीं ले सकते वो आपको काट ले ठीक है उसका काटना आपके लिए इतना जहरीला साबित हो सकता है कि आपकी जान भी ले लेकर जा सकता है वो स्नेक सो दैट ऑल द वर्किंग ऑफ द पोम And the reference to the context, which you have to do it in the copy very neatly. Okay. So, my dear student, we will meet soon again with the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.